हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमारे अतीत में जैसे कि आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके 5 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उपनिवेशवाद और शहर लेसन नंबर 6, इसकी एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको पूरे लेसन के मेन पॉइंट्स समझाए थे। आज मैं आपको लेसन पेजेस वाइज रीड करवा के समझाऊँगी। उपनिवेशवाद और शहर, सबसे पहले तो उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद यह होता है जब बेटा एक देश के ऊपर दूसरा देश शासन कर वहाँ से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी एक देश में जब दूसरे देश का शासन हो जाता है और उस देश की राजनीति में, सामाजिक में और सांस्कृतिक कई तरह के बदलाव जो है उस राज की वजह से आने लगते हैं। जब एक देश पर दूसरे देश का राज हो जाता है और जब उसके जिस देश पर राज होता है जब उसमें कई बदलाव आने लगते हैं तो वह उपनिवेशवाद कहलाता है। तो उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। तो इस लेसन में हम समझेंगे कि ब्रिटिश शासन के वजह से किस प्रकार से नए शहरों का हमारे देश में निर्माण हुआ और किस प्रकार से लोग गांवों को छोड़कर शहर की तरफ आकर बसने लगे। औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ। औपनिवेशिक शासन मतलब जब एक सत्ता दूसरी सत्ता पर राज करने लगती है, यानी हमारे ऊपर जब ब्रिटिशों का राज था। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांवों की जीवन शैली किस प्रकार बदलने लगी, यह सब आप पढ़ चुके हैं। यानी ब्रिटिश सत्ता आने के बाद गांवों में क्या क्या बदला हुआ, यह अब तक हम पढ़ चुके हैं। इसी समय शहरों में क्या चल रहा था, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कस्बे या शहर की चर्चा किस प्रकार करते हैं। मंदिरों के शहर मदुरई का इतिहास ढाका जैसे उत्पादक शहरों या कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल भिन्न था। मुंबई का जो है जो मदुरई शहर था वह मंदिरों का शहर था, एक सीधा साधा सिंपल। जबकि जो ढाका जैसे शहर थे वो बड़े बड़े कस्बों से मिलकर बने शहर था। वहाँ पर कई तरह के लोग काम करते थे, कई तरह के लोगों का व्यापार चलता था और मदुरई का इसके चेंजमेंट था। अब आप देखेंगे पश्चिमी दुनिया के अधिकतर क्षेत्रों में आधुनिक शहर औद्योगिकीकरण के साथ सामने आए थे। पश्चिमी दुनिया में जब आधुनिक शहर थे वो औद्योगिकीकरण के दौरान सामने आए। लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर ब्रिटेन में 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से आ गया है। औद्योगिकीकरण के जब व्यवसाय बढ़ने लगता है तो जिस शहर में अधिक व्यवसाय होने लगता है, जहाँ व्यवसाय की वजह से लोगों का ज़्यादा जमावड़ा होने लगता है, तो वो औद्योगिकीकरण के वजह से वो शहर सामने आने लगे। लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर ब्रिटेन में 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से आ गया है, क्योंकि कई लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ कूच कर रहे थे। मैंने अभी आपको बताया ना, जब बिजनेस हमारा ज़्यादा होने लगता है तो लोग वह क्या करते हैं, रोजी रोटी के चक्कर में उस तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो जिन शहरों में उस तरह की संभावनाएं मिलती है तो उस शहरों में क्या होता है, लोग अपने नौकरी के लिए, मकान के लिए, अन्य सुविधाओं के उस वजह से उस तरफ बढ़ने लगते हैं। तो उन शहरों की जनसंख्या जो है वो बढ़ने लगती है और वह शहर बड़े रूप में सामने आने शुरू हो जाते हैं। किंतु 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिमी यूरोप के शहरों की भांति तेज़ी से क्यों नहीं फैले। जिस प्रकार से पश्चिमी अधिकतर क्षेत्र जो थे पश्चिमी दुनिया के वो आगे बढ़े थे, उस प्रकार से भारत में कुछ शहर आगे क्यों नहीं बढ़े। 18वीं सदी के अंत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेजिडेंसी शहरों के रूप में बढ़ रहा था। प्रेजिडेंसी शहर मेन शहर जहाँ पर बहुत से मतलब व्यापार के लिए कई लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन गुजर बसर करना शुरू कर रहे थे। यह शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। ब्रिटिश सत्ता के मतलब यहाँ ब्रिटिश सत्ता के अधिकतर लोग जो थे वो इन्हीं शहरों में रहा करते थे, यहीं से अपना व्यापार किया करते थे। उसी समय बहुत से अन्य शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। कुछ खास चीज़ों का उत्पादन करने वाले बहुत से शहर इसलिए पिछड़ गए क्योंकि वह बनने वाली चीज़ों की मांग घट गई थी, और कुछ शहर जो थे वो पिछड़ते जा रहे थे क्योंकि जिन चीज़ों के उत्पादन की वजह से वह शहर जाने जाते थे उनकी मांग घट रही थी। तो वह शहर जो थे जहाँ पर इनका उत्पादन होता था वह पिछड़ते जा रहे थे। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्रों, बंदरगाहों की स्थिति बदल गई। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा यानी जब व्यापार दूसरे नए शहरों से किया जाने लगा तो जो पुराने शहर थे जहाँ से व्यापार चलता था उनकी स्थिति बदलनी शुरू हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को परास्त कर दिया और शासन के नए केंद्र बने तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी गिर गए।
ठीक है, राजाओं को परास्त करने के बाद अंग्रेजों ने जहाँ पर नए अपने सेंटर बनाए, जहाँ से वे अपना व्यापार करते थे, तो वो सेंटर ज़्यादा डेवलप होने थे, जो पुराने सेंटर थे वो तो बुरी हालत में पहुँच नहीं थे। इसी प्रक्रिया को विशहरीकरण कहते हैं, ठीक है, यानी कि नए क्षेत्रों का उभरना और पुराने क्षेत्रों का गिरना, विशहरीकरण। 19वीं सदी में मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम आदि शहरों का काफ़ी अधिक विशहरीकरण हुआ। 19वीं शताब्दी में शुरू में केवल 11% लोग ही शहरों में रहते थे, कितने 11% लोग ही शहरों में रहते थे। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली एक छोटा सा धूल भरा कस्बा रह गया था, दिल्ली कैसा था, एक छोटा सा धूल भरा कस्बा। किंतु 1912 में जब यह ब्रिटिश भारत की राजधानी बना, किसकी, जब ब्रिटिश ने भारत की राजधानी किसे बनाया, दिल्ली को, तब इसमें दोबारा जान आ गई। आइए दिल्ली की कहानी पढ़कर जानें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या हो रहा था। नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे दिल्ली मेन बनने से पहले, उससे पहले कौन कौन से राजधानियाँ बनी। हम दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में जानते हैं, हम दिल्ली को हमारे इस भारत की राजधानी के रूप में जानते हैं। आप सभी जानते हैं भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली। किंतु क्या आप जानते हैं कि यह शहर 1000 साल से भी अधिक समय तक राजधानी रह चुका है। इस अवधि में इसमें छोटे मोटे बदलाव भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर करीब 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्र में कम से कम 14 राजधानियां समय समय पर बसाई गई। आधुनिक दिल्ली में घूमने पर आप इन सारी राजधानियों के अवशेष देख सकते हैं। इनमें 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर भी उल्लेखनीय थे, यानी बहुत सी बार दिल्ली को राजधानी के रूप में बसाया गया अलग अलग नामों से। इन सभी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां द्वारा बसाई गई थी, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा, शाहजहानाबाद। शाहजहां ने उसका क्या नाम रखा था, शाहजहानाबाद। दिल्ली से पहले इसका नाम क्या था, इसका राजधानी के रूप में शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई थी, 1634 में। इसके भीतर एक किला, महल और साथ में सटा शहर था। ये एक किला था, उसमें महल था और साथ में ही एक शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बना हुआ था। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें बहुत चौड़ी थी। यह आप अभी भी दिल्ली जाते होंगे तो देखते होंगे, चांदनी चौक है, फैज बाजार है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये शाहजहानाबाद नाम करके शाहजहां ने बसाई थी। लाल किले में महल था और उसे सटा हुआ एक शहर था। लाल पत्थर से बने यहाँ महल की दीवारें हुआ करती थी, जो अभी भी देखने को हमें मिलती हैं। मुख्य सड़कें बहुत चौड़ी थी, जिससे वहाँ से शाही यात्रा आसानी से गुजर सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी, चांदनी चौक के बीचों बीच क्या थी, नहर। घने मोहल्ले और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और शानदार मस्जिदों में से एक थी। यानी घना मोहल्ला, बहुत अधिक लोग बसते थे, दर्जनों बाजार थे और बीच में क्या था, एक मस्जिद थी जिसका नाम है जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी शानदार मस्जिद है, बड़ी और शानदार मस्जिदों में से एक है। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद की से ऊँची कोई इमारत नहीं थी। सबसे ऊंची इमारत किसकी थी, इस मस्जिद की थी। शाहजहां के समय से दिल्ली सूफी संस्कृति का अहम केंद्र था। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह भी थी। बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुलदे शेख और जलधाराएं दिल्ली की शांति। शायद इसी से प्रेरित होकर मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं, हुए तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने। अब दरगाह है ना, यहाँ पे दरगाह, खानकाह और ईदगाह। दरगाह का मतलब है सूफी संत का मकबरा, यानी जहाँ पर सूफी संतों की डेथ के बाद उनको दफना दिया जाता है। और खानकाह यात्रियों के आराम गृह, ऐसी जगह जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं और नृत्य संग, यानी ऐसी जगह जहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि या सूफी संत आके रहते थे और वहाँ पर लोग जाकर उनसे सलाह मशवरा करते धर्म के बारे में और उनसे आशीर्वाद लेते, यानी जैसे हमारे में कहते हैं ऋषियों की कुटिया या ऋषियों के रहने की जगह। तो ये क्या हो गया, आध्यात्मिक मामले, जो धर्म से रिलेटेड लोग जहाँ पर रहते थे। ईदगाह, मुसलमानों का खुला हुआ प्रार्थना स्थल जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार, यानी कि मस्जिद जहाँ पर मुसलमान लोग अपनी नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। कुलदे शेख, वह रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर वर्ड आए थे ना ये।
यहाँ कई दरगाह थे, कई खानकाह थे और कई ईदगाहें थी। बड़े बड़े चौराहे थे, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, खामोश कुल देशेक और जलधाराएं, यानी ऐसे रास्ते जो एक जगह जाकर बंद हो जाते थे। किंतु दिल्ली भी आदर्श शहर नहीं था। इसके ऐशो आराम केवल कुछ लोगों के हिस्से ही आते थे। अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई थी। हवेलियों के बीच गरीबों के अनगिनत कच्चे मकान थे। शेरो शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया केवल मर्दों के मनोरंजन के लिए थी। त्योहारों जलसे जुलूसों के अक्सर जुलूसों में जलसे जुलूसों में अक्सर टकराव हो जाते थे। यानी कि दिल्ली में भी कई प्रकार की, उस समय के दिल्ली नामक शहर में कई प्रकार की कमियां थी। जहां हवेलियां भी थी तो वहां अनगिनत गरीबों के कच्चे मकान भी थे। ठीक है, और जातिवाद का भी धर्म का अंतर पाता है। अब क्या देखेंगे, नई दिल्ली का निर्माण। अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी। जो ब्रिटिश समय में भारत था उसकी राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता थी। इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की इजाज़त थी। पहले भारत की राजधानी दिल्ली थोड़ी थी, ब्रिटिश समय में कलकत्ता थी, तो मुगल बादशाह को लाल किले में रहने की इजाज़त थी। आज जो आधुनिक शहर हम देखते हैं, इसका निर्माण 1911 में तब शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया। आज की जो दिल्ली है, इसका निर्माण 1911 में शुरू हुआ था, और ये भारत राजधानी बनी कब थी? 1912 में। ठीक है, निर्माण कब शुरू हुआ था? 1911 में, तब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी, जब उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाने के लिए सोचा था। एक अतीत का ध्वंस। 1857 से पहले दिल्ली के हालात अन्य औपनिवेशिक शहरों से भिन्न थे। बम्बई, मद्रास या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थी। भारतीय लोग काले क्षेत्रों में और अंग्रेज लोग जानदार गोरे क्षेत्रों में रहते थे। किंतु दिल्ली में ऐसा नहीं था। खास तौर से 19वीं सदी के पूर्वाध में दिल्ली के अंग्रेज भी अमीर हिंदुस्तानियों के साथ पुराने शहर के भीतर ही रहा करते थे। बाकी जो प्रेसिडेंट शहर थे वहाँ पर अंतर था। वहाँ अंग्रेज अलग इलाके में रहते थे और भारतीय अलग, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं था। वहाँ अंग्रेज और दिल्ली के अंग्रेज भी अमीर हिंदुस्तानियों के साथ पुराने शहर के बीच में ही रहते थे। वे भी उर्दू, फारसी, संस्कृति व शायरी का आनंद लेते थे और स्थानीय त्योहारों में भी भाग लेते थे। कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1824 में, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी के मदरसे के रूप में हुई थी। मदरसा यानी कि जहाँ पर उर्दू का ज्ञान दिया जाता है। इस स्थान से विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग की स्थापना की। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा का प्रयोग होता था। 1830 से 1857 की अवधि को लोग दिल्ली पुनर्जागरण बताते हैं। 1830 से 1857 को लोग क्या कहते हैं? दिल्ली पुनर्जागरण का काल बताते हैं, यानी दिल्ली का जहाँ पर पुनर्जन्म हुआ, पुनर् दिल्ली में सारे कार्य शुरू हुए। 1857 के बाद इसमें बदलाव आ गया। इस साल के बगावत के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का सरगना बनने पर मजबूर कर दिया। ये आप पढ़ चुके ना लास्ट में, विद्रोहियों ने जाके लाल किले पे क्या कहते, बहादुर शाह जफर को मजबूर किया था अपना क्रांति का विद्रोह का सरगना बनने के, यानी आगे नेता बनने के लिए। 4 माह तक दिल्ली विद्रोहियों के कब्जे में रही। 4 माह तक तो उन विद्रोहियों का वहाँ पर राज रहा। अब अंग्रेजों ने दोबारा शहर पर कब्जा किया तो वे बदले और लूटपाट पर उतर गए। फिर प्रसिद्ध शायर गालिब दुखी मन से इन घटनाओं का देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की बर्बादी को उन्होंने अपने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए शेर यानी कि अंग्रेज शहर में आए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले। न जाने कितने औरत मर्द और आम और खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे मोटे समुदायों और शहर के बाहर मकबरों में शरण ली। यानी जब अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली को क्रांतिकारियों के हाथ से अपने हाथ में लिया तो उन्होंने दिल्ली से बदला लेना शुरू कर दिया और अंधाधुंध लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे। अगले विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाला दे दिया। उन्हें बर्मा, म्यांमार यानी रंगून, ठीक है, और उनका दरबार बंद कर दिया गया, वहाँ भेज दिया गया था। कई महल गिरा दिए गए, बागों को बंद कर दिया गया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी गई। अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को एकदम भुला देना चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे दिल्ली से मुगलों की सारी यादों को मिटा दिया जाए। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका
साफ कर दिया गया, वहां से बाग, मैदान और मस्जिदें हटा दी गई। ठीक है, मंदिर नहीं तोड़े गए थे। अंग्रेज आसपास के इलाकों को बचाना चाहते थे। मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी में बदल दिया गया। जामा मस्जिद में 5 वर्ष तक किसी को नमाज पढ़ने की आज्ञा नहीं दी गई। शहर का एक तिहाई हिस्सा गिरा दिया गया। नहरों को बंद करके समतल कर दिया गया। तभी तो अब आपको चांदनी चौक के वहाँ बीच में कहते नहर थी, हमें कोई नज़र आती है, अब कहीं नहर नहीं है, क्योंकि नहरों को अंग्रेजों के द्वारा ही समतल कर दिया गया था। 1870 के दशक में रेलवे की स्थापना करने और शहर को चार दीवारी के बाहर फैलाने के लिए शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को गिरा दिया गया। किस लिए? एक तो रेलवे स्थापना करनी थी, रेल लाइन डालनी थी, और दूसरा शहर को चार दीवारी से बाहर भी फैलाना था, तो पश्चिमी दीवारों को गिरा दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विशाल सिविल लाइन्स के क्षेत्र में रहने लगे थे। उत्तर की साइड पर दिल्ली में अंग्रेज रहना शुरू कर दिया था। वे अब पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहा करते, पहले मिलके रहते थे, अब वे भारतीयों से अलग उत्तर की तरफ सिविल लाइन्स में रहते थे। उन्होंने दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल में बदल दिया और 1877 में उसे बंद कर दिया। 1824 में जिस दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई थी उसे उन्होंने पहले स्कूल में बदला और बाद में उसको 1877 में बंद कर दिया। अब इसके बाद है एक नई राजधानी की योजना, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आपने जो ये 2 पेजेस मैंने आपको रीड कराए हैं, इन 2 पेजेस को आपने इस वीडियो को देखते हुए साथ साथ रीड करना है और समझना है। इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, जो आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखने और याद करने। ये नया टॉपिक जो आगे का है, एक नई राजधानी की योजना, मैं आपको इसे नए अगली वीडियो में समझाऊंगी। ओके गुड डे, ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।